हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेम्परेचर में हो, पर उसकी हीट जो है वो आपकी कांस्टेंट बनी रहे। इसके लिए हमने क्या किया है, एक सिलेंडर गैस चैम्बर में यहाँ पे जो कि इंसुलेटर परफेक्टली इंसुलेटर है, इसके अंदर कोई गैस भरी, इसको तेज़ी से अगर आप कंप्रेस करो या तेज़ी से आप इसको ऊपर की ओर ले जाओ, इन दोनों सिचुएशन में एडियाबेटिक प्रोसेस यू विल गेट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटर होना चाहिए, हालांकि कोई भी सिस्टम जो है वो आपका परफेक्टली नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज़ पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ले रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में लेंगे तो टी वी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में लेंगे तो टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। These three relations are very important, which these three relations we can solve any question related to adiabatic process. Now we will discuss about pressure also, pressure or volume के बीच में अगर adiabatic process हो रहा है तो graph कैसा आएगा। तो यहाँ पर ये graph बहुत steeper आता है इस तरीके का, यानी कि volume में changes होने के साथ pressure में change होगा और decrease करेगी value जो है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल का आपका जो नियरली इसके पैरेलल जा रहा था, एडियाबेटिक का आपको बहुत स्टीपर मिलेगा। दोनों एरो ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन है। कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो एडियाबेटिक का स्टीपर वाला ये होगा और आइसोथर्मल का ये वाला होगा। इसमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है, यहाँ पर कंप्रेशन में ये एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है। अब इसके बाद इसका वर्क डन की बात करें तो वर्क डन निकालने के लिए इस केस में, इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, हम W इज इक्वल टू पी डी वी लेंगे और पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है यानी के बराबर मान लें। इससे प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो के अपॉन वी की पावर गामा और डी वी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो वी की पावर माइनस गामा ये ऊपर हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करके ले आते तो के अपॉन वन माइनस गामा वी की पावर वन माइनस गामा वी वन और वी टू हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गामा की वैल्यू, और इसको सॉल्व करते हैं फिर अभी हमने लिखा था ना के इजिकल टू पी वी गामा, तो के की जगह फिर से लिख देंगे पी वन वी वन गामा की पावर गामा, और इसको लेके सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी वो म्यू आर टी अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। ये टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वर्क डन जो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का निकल रहा है। अगर वन मोल गैस है तो W इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। यहाँ ध्यान देने वाली बात है टी वन माइनस टी टू है, और अगर टी टू ज़्यादा है तो आपका माइनस साइन हो जाएगा। गामा माइनस वन, ये भी ध्यान देने वाला है कि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन। सो दिस फार्मूला, दिस दिस एंड दिस, दिस फोर फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्वेल्थ क्लास, इलेवेंथ क्लास टू सॉल्व न्यूमेरिकल। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर। थैंक यू।